नमस्कार, आप देख रहे हैं बेटी ऑफ न्यूज। अमेरिका से आई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की एक महिला फैन ने अपने एक हाथ पर मूसेवाला का टैटू और दूसरे हाथ पर लेजेंड नेवर डाई लिखवाया। साथ ही युवती ने सिद्धू की मां चरण कौर से भी मुलाकात की। उनका कहना है कि मूसेवाला हमेशा युवाओं के दिलों में जिंदा रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने के बाद उस महिला ने कहा कि परिवार से मिलकर ऐसा लगा कि वो लोग अंदर से टूट चुके हैं। पंजाब सरकार को उन्हें इंसाफ दिलवाना चाहिए। मूसेवाला की हत्या में शामिल जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, ये कोई पहली महिला नहीं है जिन्होंने सिंगर सिद्धू मूसेवाला का टैटू बनवाया हो। उनके कई फैन अपनी पीठ और हाथों पर सिद्धू की याद में टैटू बनवा रहे हैं। आज सिद्धू मूसेवाला के फैंस में पहले जैसा प्यार देखने को मिल रहा है। मूसेवाला की हत्या के बाद उनके पिता बलकौर सिंह ने मूसेवाला की आखिरी फोटो का टैटू भी अपने बाजू पर बनवाया था। मूसेवाला के प्रति युवाओं में दीवानगी देखी जा रही है। उनके अंतिम संस्कार में भी बड़ी संख्या में फैन शामिल हुए थे। कई युवाओं ने मूसेवाला के टैटू बनवा रखे थे। मूसेवाला ने अपने एक गाने में भी इस बात का जिक्र किया था कि उनके दुनिया से जाने के बाद लोगों के हाथों में उनके टैटू बनेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मानसा में 29 मई 2022 को हुई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में बैठकर इसकी साजिश रची थी, जिसे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक 6 शार्पशूटरों ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया था, जिनमें से 3 प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा और कशिश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू कुस्सा को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि 6ठा शार्प शूटर दीपक मुंडी नेपाल से गिरफ्तार हुआ था।